कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन लाल पत्थर मंदिर के महंत और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नागाराम लखनदास ने किया। जी हां, अयोध्या में उद्घाटन के पश्चात बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महंत नागाराम लखनदास ने कहा, मौजूदा नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी दल के विरुद्ध आमजन में घोर नाराजगी है। नगर निगम क्षेत्र का व्यापारी निगम और प्राधिकरण की जन विरोधी नीतियों के कारण बुरी तरह से परेशान है। अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कार्यकर्ता को खुद को प्रत्याशी समझकर एकजुट हो और पार्टी प्रत्याशी प्रमिला राजपूत के लिए चुनाव प्रचार में जुट जाना चाहिए। संचालन कर रहे वेद सिंह कमल ने कहा, हमें जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। मेयर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने कहा, अगर जनता अपना मेयर चुनती है तो वह हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को आधा करने का कार्य करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता गौरव तिवारी वीरू और जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, कोरोना काल के बाद आर्थिक मंदी से जूझ रहा व्यापारी नगर निगम द्वारा लगाए गए महंगे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से बहुत दुखी हो चुका है। निगम और विकास प्राधिकरण प्रशासन बुरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोगों के घरों को तोड़ने का काम कर रहा है और सरकार उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमें विश्वास है जनता कांग्रेस की निष्पक्ष कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के अयोध्या में कांग्रेस प्रत्याशी को विजय अवश्य दिलाएगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, रामदास वर्मा, उग्रसेन मिश्रा, महिला जिला अध्यक्ष रेणु राय, अशोक कनौजिया, विजय पांडे, विजेश रावत, उमेश उपाध्याय, डीएन वर्मा, राम अभिलाष पांडे, रामेंद्र त्रिपाठी, अशोक राय, धर्मेंद्र सिंह, पास्टर रामकरण कोरी राम और अवधवासी राम बहादुर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यालय का उद्घाटन था जिसमें हम लोगों ने नागाराम लखनदास जी को बुलाया था, उनके हाथों से हम लोगों ने आज उद्घाटन करवाया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो व्यापारी इतना परेशान हो रहा है और ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनको हम लोग सही नए सिरे से मुआवजा दिलवाएं और सही सिरे से उनको बसाया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ये कहा था कि पहले इनको स्थापित करेंगे फिर विस्थापित करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले उनको विस्थापित करके परेशान कर दिया है। इसलिए हर वर्ग परेशान है और राह देख रहे हैं कि नई राह कोई ऐसी आए कि जो हमारे हक में हमारी आवाज़ बुलंद कर सके। हम उद्घाटन किए हैं एक लक्ष्य लेकर के। भगवान राम जब युद्ध करने गए थे तो विभीषण ने कहा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो धीरा। भगवान राम के पास कुछ नहीं था, कोई हथियार, गाड़ी घोड़ा वाहन कुछ नहीं था, और रावण के पास तमाम अस्त्र शास्त्र राष्ट्र विमान, लेकिन विजय भगवान को मिली। सच्चे मन से भगवान लड़े, भगवान को विजय मिलेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं और चाहते हैं कि विजय श्री मिले, और कोशिश प्रयास करेंगे तो जरूर विजय श्री मिलेंगे, क्योंकि व्यापारी त्रस्त हैं, व्यापारी रो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई बोलने वाला नहीं। आज अयोध्या में सारे दुकान तोड़ दिए गए, पार्षद उनका, महापौर उनका और सांसद उनका, विधायक उनका, किसी ने व्यापारियों को आंसू पोछने नहीं गए। जो व्यापारी रो रहे हैं आंसू पोछने नहीं गए। आज व्यापारी हमारे साथ हैं, हम अगर मेहनत करेंगे विजय श्री मिलेगी, और हमेशा सत्य की विजय होता है। हम सत्ता पर लड़ रहे हैं, विजय मिलेगी। राहुल गांधी और प्रियंका जी को, सोनिया जी को हाथ मजबूत करेंगे हमारे, प्रमिला जी जीत के जाएंगे, तो इसलिए हम लोग उद्घाटन किए कि विजय श्री मिले। नागाराम लखनदास, लाल पत्थर मंदिर, रायगंज। जय श्री राम।